नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज का हमारा सब्जेक्ट है शुक्र कौन कौन सी राशियों के हैं भाग्य विधाता, शुक्र ग्रह किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। साथियों, शुक्र ग्रह संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तो यत्रिकम, संपत्ति के, वस्त्र के, आभूषण के, लग्जरी लाइफ के, प्रेम संबंधों के, रोमांटिक लाइफ के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जिंदगी में शुक्र कमज़ोर होने पर व्यक्ति को बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ऐसी 5 राशियों के बारे में जिनका शुक्र कमज़ोर होने से उन्हें बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपका शुक्र मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि से शुक्र व्यापार भाव के और धन भाव के स्वामी होते हैं। आपकी जन्म लगन में शुक्र के कमज़ोर होने पर न तो आप पैसा इकट्ठा कर पाओगे और न व्यापार ढंग से कर पाओगे। पत्नी और प्रेमिका का सहयोग भी ना के बराबर रहेगा। शुक्र के पापद्रष्ट होने पर आपको आपकी व्यक्तिगत जीवन में बाधाएं आएंगी। शुक्र को मजबूत करें। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ के स्वामी तो स्वयं शुक्र हैं, तो शुक्र कमज़ोर होने पर आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ तो आएंगी ही आएंगी। तीसरी है तुला राशि। तुला के स्वामी भी शुक्र हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में भी शुक्र का मजबूत होना, चाहे मंत्र के द्वारा, चाहे रत्न के द्वारा, चाहे अन्य उपाय के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, लेकिन शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए ज़रूरी है। अगली राशि है मकर। मकर से 5वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं। बुद्धि स्थान के और कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। शुक्र कमज़ोर होने से ना तो आपकी बुद्धि सही से काम करेगी और ना ही आप अपने, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, अपना काम ढंग से कर पाओगे। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि में ये 4थे और 9वें घर के स्वामी होते हैं। दोस्तों सुख स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, तो शुक्र कमज़ोर होने से आप कितनी मेहनत कर लो, कितना परिश्रम कर लो, कितनी भागदौड़ कर लो, लेकिन शुक्र कमज़ोर होने से आपका मकान, दुकान, व्यापार, विवाह कुछ भी सेटअप नहीं हो पाएगा। दिक्कतें कदम कदम पर आएंगी। तो 5 राशियों का जिक्र मैंने किया, आपका शुक्र मजबूत होना बेहद और बेहद ज़रूरी है। कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको यूज़फुल सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।